भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं मखदुमपुर क्षेत्र में और ये देख सकते हैं पहला जो हम ये नहर है, नहर पार कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम मखदुमपुर मेले की तरफ जाएंगे। पहले जो प्रोग्राम था निखिल के ससुराल वालों के यहाँ पे था, उन्होंने सल्फर लगाया और निखिल भाई साथ में हैं, आगे हैं निखिल के पापा हैं। अंकल जी नमस्कार। और साइड में जो है प्रधान जी हैं, प्रधान जी हमारे, बस परमात्मा इन्हें नजर ना लगावे, हमेशा एक से ही रहवे, हंसते था इनका खिला खिला चेहरा रहवे, देख के मजा आ जा। और भाइयों अब हम नीचे को उतर जा रहे हैं। प्रधान जी ये कौन सा क्षेत्र लग गया है? ये दोनों तरफ तो जंगल, सरकारी सा जंगल है? ये वन की जमीन है। अच्छा वन विभाग की जमीन शुरू होगी वन की। अच्छा सरकारी है, मतलब नू नहीं आके कोई से खेत को जोत ले? लोगों के भी खेत है। अच्छा सर प्राइवेट भी है। और भाइयों इस क्षेत्र में जो है देखो एस्कॉर्ट 335 मुझे मिला। यहाँ जो है भाई हर तरह के रखे हैं है भाई है। हाँ ये जो है ये पुल वाले पाइप है, ये जो ऐसा लग रहा है जब बी का सूल का कैप्सूल हो उस तरह का जो पेंग, क्या बताया निकल, पेंटू पुल। अच्छा इन्हें जो खेच खेच के वहाँ पानी में रख दे और इसके ऊपर पुल बना दे, आगे दिखाऊंगे। वैसे आगे आओगे रास्ते में ना। और भाई ये बुढ़ी गंगा का पुल है, इधर देख सकते हैं कितना जंगलात में खबैल सी खड़ी। कुछ भाइयों के हैं किसानों के खेत भी हैं, झटका करंट भी लगा रखा लोगों ने बंदरों से बचने को। बहुत बढ़िया मजा लगा भाई देख के, क्षेत्र देख के एकदम मजा आ गया। प्रधान जी मजा तो आया निकल के ससुराल में। हाँ जी, सल्फर देख के हैं आदमी बढ़िया। और अब हमारी तो चलती बार मिलाई भी करी, हम तो तारीफ करेंगे बिचारों की बढ़िया। बढ़िया करी यार भाई बिचारे। हाँ जी लोजी लोजी में रहे बिचारे और क्या। और जब की इतने आदमी आ रहे थे उन्हें पूछते, लेकिन हमारे आगे पीछे रहे। हाँ रख दिए जी ना जी, रखे गए चोरी छुपे हो गया काम, पर चलो ठीक है। पहले तो भाइयों जब शादी हुई थी वे सोच रहे थे निकले ऐसा ही है, लेकिन अब जो है उन्होंने सोच, अब वे नु सोच रहे हैं मंदा ही पटिया लमना, क्योंकि निखिल भाई जो है बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए और बहुत ही अच्छे हिसाब से काम करे हैं। हाँ वैसा अंकल जी सही कह रहे, पहले तो नहीं कहते होंगे सब संपत्ति पे शादी कर दी, कमेंट करते होंगे बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी भाई ये देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े यहाँ कैप्सूल से रखे हैं, ये जो है एक पुल है और इन्हें आगे जाकर रख देंगे वहाँ पे। और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी भी जिंदगी जीने का अलग ही मजा है। और सबसे बड़ी बात ये है भाई ये ना रोडवेज देखो भी साल साल भर हो जा, हम तो सच्ची पूछो मट्टी खा रहे धूल में और तेल में ही रहे, असली जिंदगी तो इनकी है निखिल भाई। ये नौका है हमारी असली, ये नेचुरल जिंदगी जी रहे हम, वहाँ तेल की और उसकी जी रहे धुएं की। अब एक बात सुनो भाई ये खदरी क्षेत्र है, दोनों तरफ देख सकते हैं आप गन्ना खड़ा हुआ है जबरदस्त, ये देख लो। एक बात बताओ बबलू भाई, तुम्हारी वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी बताओ। कि एक तो होगा इंसान कर्म, कर्म हाँ जी, और एक होगी कुदरत, कुदरत। तो कुछ लोग लोग कहे कि कुदरत नहीं होता, कुदरत कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। अजी नहीं उसके बिना तो पत्ता नहीं हलता। तो कुदरत में और इंसान में क्या फर्क है बताओ जरा। बस कुदरत नहीं तो इंसान को बनाया, बनाया नहीं है। हाँ तो एक सिस्टम भाई देख सकते हैं, छोटे बच्चे साइकिल पे बम्बे ला रहे हैं, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुदरत में और इंसान में क्या फर्क है। हमारा ये कहना है जब आदमी अपनी मेहनत में घमंडी हो जा तब वो कुदरत को नकारने लगता है। अच्छा जब उसकी मेहनत सफल होने लगती है तो वो अपने आप को सफलता का मानता है, तो वो कुदरत को नकारने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये है। यो मुझे लगा हिंदो नदी का पानी आ रहा जी, गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी आ गया, कटान हो गई है, ये सब गंगा जी का पानी है। और ये गंगा जी का, और भाई ये देख सकते हैं बुग्गी लेके जो है महिलाएं किसान जो हैं गोले लेके आ रही हैं बुग्गी में। सुनो हाँ जी बता, मैं तुम्हें बताता हूँ कुदरत में इंसान में क्या फर्क। पेट में होता बच्चा जी तो उसकी देख रेख जो खाने की प्रतिक्रिया है जी, उसकी खाने की जो प्रतिक्रिया है बच्चे की
वो सब कुदरत करती है पेट में। हाँ जी हाँ जी, आपने देखा है वो बच्चा 9 महीने तक बिना तुम्हारे देख रेख के पल जाता है, मतलब आप उसे एक चम्मच दाना नहीं खवा सकते बिल्कुल, और वो फिर भी पल जाता है बिल्कुल। तो उसकी जो देख रेख करती है कुदरत करती है, कुदरत। और जब इंसान पेट से बाहर आ जाता है तो एक सेकंड भी कुदरत उसे या एक दिन भी उसे बिना खाए पिए नहीं रह सकता। अजी आप यो देखो जो बच्चा उसमें रहे है, मैंने देखा वहाँ सिजेरियन उस वे करते हैं और नहीं सिजेरियन वो करे ना ऑपरेशन, तो वो एक पानी की ट्यूब सी में भरा रहे बच्चा, उसमें अंदर पानी सारा है, तो उसे कुदरत कहते हैं। और जब इंसान अपने हाथ से कमा के खाता है, हाँ। जहाँ इंसान को मजबूर होना पड़ता है कमा के खाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसे इंसानियत बोलते हैं, इंसान कहते हैं। इंसान और कुदरत में बहुत भाइयों, हम आज हमारे साथ में निखिल भाई हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं और बहुत ही ज्ञान की बात बताई, तो बहुत ज्ञान कुछ नहीं है। ना बिल्कुल बहुत सटीक टॉपिक बताया, इसे हम भूल जा है प्रधान जी, हम जरा से दो शब्द जानते ही इस चीज को हम भूल जा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आदमी को इंसान को कभी भी सुधरना है ना, मान लो कि कोई बिगड़ रहा है, मैं तो मैं लड़ाई हूँ, गाड़ी तेज चलाऊ, भगाऊ, ये करूँ, सिर्फ उसे एक चीज में कहना चाहूँ, गाँव में जब भी किसी की मृत्यु होती है उसे उस व्यक्ति की मृत्यु में भेज दो, और जब तक भेज दो जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होता। हाँ जी, और उससे सिर्फ ये कहना कि जब वो इंसान जलेगा ना जी चिता पे रख के, कि उस आग को देखना, बिल्कुल बिल्कुल, वो आग बात करती है इंसान से, बिल्कुल आग बात करती है इंसान से कि तू अच्छा बुरा है, तेरे घर परिवार की जिम्मेवारी तेरे पीछे कितनी है, कि इंसान कहाँ जाके कहाँ खत्म हो जाता है, इतने बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, उस आग से इतना सीखने को मिलेगा सिर्फ उसे देख लेने से। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी कहीं नहीं सुधरता, किसी स्कूल में नहीं सुधरता, किसी किताब से नहीं सुधरता, सिर्फ इंसान अपनी आदतों से अपने कर्मों से सुधरता। बिल्कुल जी बिल्कुल, बाकी गंगे मैया के दर्शन होने वाले हैं, चंद कदमों की दूरी भाइयों, थोड़ी देर में हम जो है गंगा जी के जल के पास ही पहुंच जाएंगे और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगा बिल्कुल। कमेंट जरूर करवा दिए दर्शकों। हाँ भाई, निखिल भाई की बात कैसी लगी, विचार कैसे लगे कमेंट करें, और दूसरा जो हमारा चैनल है किसान की सोच, निखिल भाई के ससुराल वालों का जो प्लांट का पूरी वीडियो उस पर देखने को मिलेगी, और बहुत बढ़िया लगा हमें आज निखिल भाई के साथ में आके, प्रधान जी हैं निखिल भाई के पिताजी हैं, और आज हम सारे सुबह से साथ ही हैं, और अब जो हैं ये जो खद्दर खद्दर क्षेत्र है, ये खद्दर क्षेत्र चल गया ना जी सारा जी, जी। और भाइयों गन्ने के लिए काम चल रहा, उसके मेले के लिए चल, मेले के लिए चल रहा, तंबू लगेंगे मुझे लगे यहाँ तक लग जाएंगे तंबू, फोर्स का तंबू लगेगा। अच्छा यहाँ फोर्स लगेगी, एंट्री होती है। जी जी जी, तो उधर फार्मा ट्रैक 60 चल रहा है, 65 एपी साइड में कौन सा है, यो ऐतिहासिक है जी। और भाइयों देख सकते हैं MB प्लाव चला रखा उसने भाई ने, वहाँ इधर अपने किसान भाई जो है बुग्गी से गोली लेके जा रहे परली तरफ, बहुत बढ़िया मजा ही आ गया पूरा। दोस्तों आगे आगे जो है खद्दर क्षेत्र में आ गए थे, यहाँ जो है एक ट्रैक्टर जुताई करते हुए मिला, और निखिल भाई ने हैरो जो है पूरी खुलवा दी, निखिल भाई जो है हमारे पूरी वो करते हैं, और ये इधर भाइयों आगे जो है आप देख सकते हैं मखदूमपुर मेला लगेगा, ये आप देख लो, और पूरा जो है ये गंगा क्षेत्र है ये, तो अंकल जी जिला मेरठ में लगता होगा ना, जिला मेरठ का ही है। हाँ जी बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दो इसमें, आपका शुभ नाम। मेरा नाम ओमबीर है, ओमबीर, गांव मखदूमपुर। बहुत बढ़िया, तो कब से खेती कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ कम से कम जो है 8-10 साल से खेती कर रहे हैं। 10 साल से, तो ये जमीन खरीद दी आपने कैसे? ये तो ऐसी LMC की है। अच्छा, वैसे जो कुछ हमारी जमीन जो लगानी थी उसकी साइड की जो कच्ची जमीन है ये। अच्छा कच्ची जमीन है, चलो कोई बात नहीं। वैसे भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, वैसे यहाँ जो है शुद्ध है वातावरण, बिल्कुल बिल्कुल धुएं धुआं धूल का कोई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और गंगा पे आप खड़े हो जाओगे थोड़ी से बोरिंग ज्यादा ठंडी हवा, बहुत बढ़िया। और भाइयों देख सकते हैं खेत थोड़ा सा गिल्ला है, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, नमस्कार।